वेलकम टू द स्टडी थिंक ग्लोबल वर्ल्ड ग्लोबल। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एबीवी या थ्री फेज लोको में लगातार एलएससी लैंप के जलने पर क्या कार्रवाई करेंगे के बारे में मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। लैंप एलएससी के जलने पर कार्रवाई। पहला, ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने का प्रयास करें तथा ट्रेन को उचित स्थान पर खड़ी करें। दूसरा, कूलिंग करने के संबंध में टीएलसी को सूचित करें। तीसरा, SA9 अप्लाई करें और A9 को इमरजेंसी पर करें। चौथा पॉइंट, सुनिश्चित करें कि ब्रेक सही तरीके से लगे हों और अब VCB खोलें और पेंटोग्राफ झुकाएं। पांचवा पॉइंट, नियमानुसार कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करें, अर्थात रियल की को D से ऑफ, ऑफ से C तथा C से ऑफ पर घुमाएं। छठा पॉइंट, फिर से रियल की को ऑफ से C पर करें और सुनिश्चित करें कि UPA बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है तथा LSDJ लैंप जलती है, स्क्रीन ऑफ है और कोई नोड नंबर नहीं दिखा रहा है, अर्थात सी ऑफ पोजीशन में है। सातवां पॉइंट, पेंटो उठाएं और VCB बंद करें, LSDJ लैंप बुझा रहेगा और लोको कूलिंग मोड में एनर्जाइज हो जाएगा। आठवां पॉइंट, मशीन रूम को ठंडा करने के लिए मशीन रूम ब्लोअर तथा स्क्वेंज ब्लोअर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा तथा सुनिश्चित करें कि मशीन रूम ब्लोअर और स्क्वेंज ब्लोअर काम कर रहे हैं। नवा पॉइंट, जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा तो LSC लैंप बुझ जाएगा। दसवां पॉइंट, अब VCB खोलें, पेंटोग्राफ झुकाएं, BL की को C से ऑफ और ऑफ से D पर करें और लोको एनर्जाइज करें तथा ट्रैक्शन चालू करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।